नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th मैथ में डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दोस्तों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में ये बहुत आसान भी है। देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सपोज यार दोस्तों, यदि हम लोगों को कोई फंक्शन दो को दिया रहेगा, इसमें दो फंक्शन मिल सकते हैं प्रोडक्ट में, या थ्री फंक्शन मिल सकते हैं, तीन फंक्शन मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, ये दो फंक्शन आपको दिए गए हैं प्रोडक्ट में, दिए हैं कोई भी हो सकते हैं, मान लीजिए यू और वी है। इसका दोस्तों हमको डेरिवेटिव्स निकालना है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे यू इंटू वी, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर करेंगे, यानी कि यू वाले को बाहर करेंगे, तो ये हो गया यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, फिर प्लस का साइन होगा, फिर यहाँ पे वी हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला है। ये दो फंक्शन हम लोगों को दिया गया है प्रोडक्ट में, तो पहला को हम लोग यू लेट करेंगे और दूसरा को हम लोग क्या करेंगे, भी लेट करेंगे। तो यू को क्या करें, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकेंड का डेरिवेटिव्स निकालेंगे, प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे और डेरिवेटिव्स करेंगे फर्स्ट को। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। या इसमें तीन भी हम लोगों को मिल सकता है। देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को तीन फंक्शन दिया गया है, यू वी डब्ल्यू, तीनों प्रोडक्ट में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ ये यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, तीनों फंक्शन है, तीनों को हम लोग डी वाई डी एक्स कर दिए, यानी कि डेरिवेटिव्स कर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसमें क्या देखे थे, दो फंक्शन देखे थे, इसमें हम लोग क्या करें, इस दोनों को सपोज दैट हम लोग क्या करेंगे, यू लेट कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तीन है तो इसमें किसी दो को हम लोग क्या करें, यू लेट कर लेंगे और बाद में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा कि u यानी कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, प्लस वी को बाहर करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ u। प्रोसेस यही रहेगा दोस्तों, तीन फंक्शन भी रहेगा, तो हम लोग किसी भी दो को हम लोग क्या करेंगे, u लेट कर लेंगे और बाद बाकी को भी लेट कर लेंगे। तो u यानी कि इस दोनों की जगह पर ये u आ गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u। और जहाँ पे दोस्तों दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके अब देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के दोस्तों बुक में दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये इसका फॉर्मूला था। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे u क्या है, देखिए u है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लीजिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन एक्स। पहला फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहे हैं बताइए, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन किसमें दिया गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कर रहा था, u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। अब देखिए यहाँ पे u क्या है बताइए, u है हम लोगों को एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी, तो वी क्या है, साइन एक्स, प्लस वी यानी कि साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u यानी कि एक्स स्क्वायर। ओके अब आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा फॉर्मूला। देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे इसके लिए बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये एक्स का पावर यहाँ पे कोई नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एन है टू, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, ये टू एक्स का पावर कितना हो गया, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो जाएगा। तो एक्स का पावर वन क्या होता है, एक्स ही होता है, तो ये टू एक्स हो जाएगा। याद रखिएगा कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू एक्स होता है। ओके तो दोस्तों देखिए इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हियर
यू इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई टू दी पावर एक्स, एंड वी कितना है, कॉस एक्स है। लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, u इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u, यही तो प्रोडक्ट रूल है। पुट कीजिए इसमें, देखिए u u क्या है, e टू दी पावर x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि cos x प्लस वी cos x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u यानी कि e टू दी पावर x। आगे देखिए, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, देखिए दोस्तों डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाए, माइनस साइन एक्स होता है, तो जगह माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। दोस्तों ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है बताइए, देखिए ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी है, ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी, ई टू दी पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, इस पॉजिटिव वाले को पहले लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, कॉस वाले को पहले लिख दीजिए पॉजिटिव वाले को, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दोस्तों यही हो गया। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया, ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स दिया गया है, तो यहाँ बताइए यू क्या है, ई टू दी पावर एक्स, कॉट एक्स क्या है, वी है, आप लिखेंगे हियर यू इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एंड वी इक्वल टू कॉट एक्स, और दो फंक्शन प्रोडक्ट में, इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में दोस्तों दो फंक्शन रहेंगे, या मोस्टली ज़्यादा ज़्यादा कितने रहेंगे, तीन फंक्शन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। ओके, तो देखिए, तो क्या हो जाए, प्रोडक्ट रूल क्या करें, यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ये प्रोडक्ट रूल है, लगाइए इसमें, देखिए यू पुट कीजिए, यू का वैल्यू कितना, ई टू दी पावर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि कॉट एक्स प्लस वी यानी कॉट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि ई टू दी पावर एक्स। आगे देखिए, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, देखिए दोस्तों कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको अपना याद रखिएगा, इसके जगह पर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ई टू दी पावर एक्स दोनों में आ रहा है, तो जो ई टू दी पावर एक्स ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या, ये पॉजिटिव को पहले लिख दीजिए, नेगेटिव को बाद में लिख दीजिए, ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दोस्तों यही हो गया। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रोडक्ट रूल बहुत ही आसान है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया कि एक्स टू दी पावर एन इंटू कॉट एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हियर यू इक्वल टू कितना, एक्स टू दी पावर एन, वी इक्वल टू कितना है, कॉट एक्स, लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्या है प्रोडक्ट रूल बताइए दोस्तों, यह है यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, ये तो प्रोडक्ट रूल है, इसे पुट कीजिए वैल्यू को, तो हो जाएगा यू, यू कितना है, एक्स टू द पावर एन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि कॉट एक्स प्लस वी यानी कॉट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि एक्स टू द पावर एन। आगे देखिए,
एक्स टू द पावर एन एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो ये होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। ओके आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x टू द पावर n इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए x का पावर n है और यहाँ पे x का पावर n माइनस वन है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर n है और यहाँ पे x टू द पावर n माइनस वन, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर n, यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए x टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस वन इंटू x टू द पावर वन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यदि बेस सीरीज सेम है तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली x टू द पावर n ही बच जाएगा। इसे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ x टू द पावर n माइनस वन और यहाँ भी x टू द पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो इसको दोस्तों हम लोग इतना लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके अब देखिए यहाँ से एक्स टू द पावर एन माइनस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा कितना, ठीक है एक्स टू द पावर वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ही लिख सकते हैं और ये माइनस है, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू में एन, ये बच जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा करके लिख लेंगे, ये फाइनली दोस्तों लोगों को हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x टू द पावर n माइनस वन और इंटू में पहले ये पॉजिटिव वाले को लिखिए तो हो जाएगा n cot x माइनस x cosec स्क्वायर x, ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमन कैसे लिया गया और तो कुछ है नहीं इसमें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन वाला दिया गया एक्स क्यू सेक एक्स दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे हियर यू इक्वल टू एक्स क्यू एंड वी इक्वल टू सेक एक्स। ओके ये यू है और ये वी है, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल क्या कहा, यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, यही तो प्रोडक्ट रूल कह रहा है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, देखिए तो यू क्या है एक्स क्यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि सेक एक्स प्लस वी सेक एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि एक्स क्यू। आगे देखिए एक्स क्यू इंटू दोस्तों डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, देखिए सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। तो दोस्तों देखिए एक्स का पावर एन है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एन एक्स रेज टू द पावर एन, एन कितना है 3, एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 2 हो गया, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर होता है। अब आगे देखिए यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ से कॉमन भी आ सकता आ रहा है यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर और सेक एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं या इसका आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। देखिए एक्स क्यू इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेक एक्स। दोस्तों देखिए बुक में आंसर ये दिया गया है, लेकिन दोस्तों जब आप एग्जाम में दे रहे होंगे इसमें कॉमन आप लेके तब इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि आंसर होता है लास्ट टर्म होता है। ओके यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स, तो आप यहाँ पे कॉमन लेके तब सॉल्व किए, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर सेक एक्स, एक्स स्क्वायर और सेक एक्स यहाँ से हट गया तो क्या बचा एक्स टेन एक्स बचाएगा प्लस एक्स स्क्वायर सेक एक्स यहाँ से हट गया तो कितना बचाएगा बताइए 3 बचाएगा, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में लिखिएगा तो इतना लिखिएगा एक्स स्क्वायर सेक एक्स यहाँ से कॉमन आ गया है तो बचा है एक्स टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सेक एक्स हट गया तो यहाँ प्लस 3। बुक में आंसर दोस्तों आपका ये दिया गया है, तो ये दोस्तों फाइनल इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका 6 नंबर क्वेश्चन नंबर ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया क्या साइन एक्स दिया गया अलग से, ये क्या है यू है और ये है भी, तो यहाँ पर लिखेंगे हियर
यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 एंड वी इक्वल टू है साइन एक्स। अभी आप लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन दिए गए हैं प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल? यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये था इसका प्रोडक्ट रूल। पुट कीजिए इसमें वैल्यू को, तो देखिए यू, यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी कितना है साइन एक्स प्लस वी, यानी कि साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1। ओके, अब आगे देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 तो एजिटी रहा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एजिटीज, इंटू देखिए पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, क्यों? क्योंकि ये x का पावर n है, तो एन एक्स यानी कि 2x रेज पर n माइनस 1, यानी कि 2-1 कितना होता है 1 ही होता है, तो x का पावर 1 कितना हो गया x ही हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोस्तों याद रखिएगा 2x होता है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, जो कॉन्स्टेंट तो बाहर आता है ये 1, तो 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कॉन्स्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ क्या बचा है 2x+3। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दोस्तों डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो मेरा अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।